टैबलेट तो ये लोग निकाल देते, लेकिन इनके साथ एक ये समस्या होती जा रही है कि ये बकवास है, क्योंकि इसके अंदर जो अब इसमें जो है मेरा दिमाग जो है खराब सा हो गया भैया। हर एक के घर में वाईफाई नहीं होता, हर एक सुलट के इतना महंगा है क्या यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, एक बार फिर से जो है आप लोगों का जो है ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो भाई अभी कुछ टाइम पहले जो है रेडमी वालों ने एक बजट टैबलेट निकाला था, और काफ़ी टाइम से जो है मैं टैबलेट लेना चाह रहा था। अब यार टैबलेट तो ये लोग निकाल देते, लेकिन इनके साथ एक ये समस्या होती जा रही है कि ये लोग जो है सिम स्लॉट नहीं डाल रहे उसके अंदर। अब यार सिम स्लॉट हो तो कम से कम उसके अंदर हम नेट तो चला सकें। अब वो सारा का सारा जो है वाईफाई वेरियंट होता है, अब वाईफाई के लिए कहाँ कहाँ भागते रहे भाई। तो भाई वाईफाई वेरियंट यार अब उससे यार दिक्कत होती है। अब मैंने जितने भी व्यूअर्स थे, मैं भी बात करता हूँ ऑफिस पहुंच के जो है, पहले मैं जो है रोड क्रॉस कर लेता हूँ। तो जो है ये लोग वाईफाई वाला जो वेरिएंट है सिर्फ वो ही निकाल रहे हैं। अब बजट डिवाइस में भी जो है रेडमी ने अपना वाईफाई वाला वेरिएंट निकाला, जो कि 12-13 हज़ार रुपये का था। उसके बाद जो है 17-18 हज़ार का भी है, 20 हज़ार का भी है, जो कि अभी बजट में है। एक इनका और भी टैबलेट था जो कि 25 हज़ार की रेंज का था, वो काफ़ी पावरफुल था। उसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन 860 वाली चिपसेट थी, और काफ़ी बढ़िया था वो, बहुत फास्ट चलता था, स्मूथ था, उसके कलर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे थे। उसी का देखा देखी जो है मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, कि मैंने कहा यार थोड़ा सा और समय रुक जाते हैं और जल्दी जो है इनके नए टैबलेट आने वाले हैं। तो इन्होंने जो है अभी रिसेंटली टैबलेट लॉन्च करे बजट में, जो कि 14-15, 17-18 और 20 के में था। लेकिन मैं ये चाहता था कि उसके अंदर जो है सिम स्लॉट हो, ताकि मैं जो है अपना सिम, मेरे पास डुअल सिम है, दो सिम है, मैं चाहता था कि एक मेरे मोबाइल में रहे और दूसरा जो है मैं उसके अंदर लगा कर जो है नेटवर्क यूज़ कर सकूँ, इंटरनेट यूज़ कर सकूँ। तो हुआ ये कि भैया उन्होंने किसी में भी सिम स्लॉट नहीं डाला, सिर्फ वाईफाई वाला ही वेरिएंट निकाला। अब इसमें जो है मेरा दिमाग जो है ख़राब सा हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने जितने भी रिव्यूअर थे, जो भी रिव्यू बनाते हैं टैबलेट्स के, जितने भी बड़े बड़े रिव्यूअर हैं, तो मैंने उनके कमेंट सेक्शन में जाके भैया कमेंट कर दिया कि ये जो टैब है रेडमी का बकवास है, क्योंकि इसके अंदर जो है सिम स्लॉट नहीं डाली गई। तो मैंने सभी को कर दिया था। तो बहुत लोगों ने जो है मुझे कमेंट्स किए, और काफ़ी तो मेरे साथ भी थे, काफ़ी उन्होंने लाइक भी किया था, और कई जो है मुझे सजेशन देने लगे कि भैया अपने मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट ऑन कर लो और उसके नेट को यूज़ कर लेना वाईफाई के थ्रू। तो इस तरह के जो है मेरे पास सजेशन आने लगे। कुछ उन्होंने कहा कि और भी टैब हैं, जैसे कि रियलमी का हो गया, वो सस्ते होते हैं और उसमें जो है आपको सिम स्लॉट भी मिल जाएगा, और भी टैब आते हैं। तो भाई मैं आप सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि मैं रियलमी का जो UI है मुझे पसंद नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी। सीरियसली मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, मैं रेडमी के जो डिवाइस है ना, Xiaomi के डिवाइस, वो थोड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका एक तो मेरे को UI अच्छा लगता है, और जो उनकी ऑप्टिमाइजेशन होती है डिवाइस के अंदर बहुत अच्छी होती है, मतलब इतना हैंग नहीं होता, अच्छे से जो है वीडियो रेंडरिंग हो जाती है। तो रेडमी का टैब मैं बस इसीलिए ख़रीदना चाहता हूँ क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, स्पीकर्स अच्छे होते हैं, डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया होती है, तो इसलिए मैं उनका ख़रीदना चाहता हूँ। अब बस यार वो लोग जो है यही गलती कर देते हैं कि यार उसके अंदर जो है सिम स्लॉट नहीं डालते। अरे सिम स्लॉट क्या इतना महंगा है क्या यार, इतना महंगा है क्या सिम स्लॉट? अगर आप डाल दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भैया? हर एक के घर में वाईफाई नहीं होता, हर एक के घर में वाईफाई की सुविधा नहीं होती है। अब जो लोग कह रहे हैं कि भैया हॉटस्पॉट ऑन कर लियो, अरे यार दिमाग ख़राब है क्या? मैं मोबाइल के अंदर भी नेट ऑन करके रखूँगा, मोबाइल की भी बैटरी जाती रहेगी, और फिर मैं उसके अंदर ऑन करूँगा। मैं एक बात बता दूँ, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद जो है उतनी अच्छी स्पीड नहीं आती है वाईफाई में, अगर आप किसी अदर डिवाइस में यूज़ करते हो तो उतनी अच्छी स्पीड नहीं आती है। तो बस मैं ये कहना चाहता था कि मतलब अगर ये वीडियो जो है कहीं इधर उधर पहुंच रही हो, रेडमी तक पहुंच रही हो, या किसी भी उस पर पहुंच रही हो, तो भैया अगर आप कोई भी टैबलेट निकालते हो तो उसे सिर्फ वाईफाई वेरिएंट के साथ मत निकालो, वाईफाई के साथ साथ जो है आप उसके अंदर सिम स्लॉट डाल दो, डुअल सिम की जगह एक सिम डाल दो, कम से कम सिम तो डालो, ताकि जो है हम अपना नेट जो है उसके अंदर यूज़ कर सकें। खैर बस मैं यही बात रखना चाहता था, बाकी जो है सबकी अपनी अपनी राय है। मैं तो यही चाहूँगा कि सिम स्लॉट के साथ टैबलेट्स आ जाएँ, तो उसके बाद ही जो है मैं टैबलेट लूँगा। तो फिलहाल दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।